नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में अब तक कुल 842 संदिग्ध लोगों की सैंपल की जांच की गई है, जिसमें से 749 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं चौथे मरीज की तीसरी जांच निगेटिव आने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि अब जिले में कुल 842 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 757 की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 749 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव और 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 पॉजिटिव लोगों में से 3 पहले ही स्वस्थ हो गए थे, जिन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। वहीं चकसिट्टी के हबीबुर रहमान की भी तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। जिले में अब 4 पॉजिटिव केस हैं। जनपद में अब तक कुल 842 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 757 के रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिसमें 749 नेगेटिव और 8 के पॉजिटिव कुल आए थे। उस 8 पॉजिटिव में 3 लोग जो शुरुआती में मदरसे के लोग थे, जिनका जो उपचारित होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। एक हबीबुर रहमान जो चक सिकटी के थे, जिनके कांटेक्ट में उनके बेटे बेटी और पड़ोस के एक महिला और उसका भतीजा आए थे। उस एरिया के लगभग 250 सैंपल हबीबुर रहमान के घर के आसपास के भेजे गए थे, जिसमें से हबीबुर रहमान के बेटे बेटी का पहले पॉजिटिव आ गया था। उनके पड़ोसी का मुनीरा खातून का पॉजिटिव आया था और कल मुनीरा खातून के भतीजे का पॉजिटिव आया है। बाकी सभी लोगों का निगेटिव आया है। एक अच्छी खबर यह है कि हबीबुर रहमान का थर्ड सैंपल भी निगेटिव आ गया है, तो हबीबुर रहमान भी अब डिस्चार्ज हो जाएंगे, आज उपचारित हो गए। तो इस तरह से कुल वर्तमान में 8 केसेस चिन्हित हुए, जिनमें से 4 उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए, 4 एक्टिव केसेस आइसोलेशन वार्ड राजकीय मेडिकल कॉलेज में है। नहीं नहीं, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं वो फिर होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे, क्योंकि उनके घर में सिर्फ 2 बेटे बेटियां जो थे वो ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में हैं। उनकी वाइफ का नेगेटिव है, उनके घर में और कोई है नहीं, तो उनका होम क्वारंटाइन इज सेफर फॉर हिम। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।